dear students, I welcome you all to the another wonderful session. I am Dr. Amrit, your botany teacher. Today we are going to start with the new chapter, that is plant growth and development. So इस चैप्टर के अंदर देखो क्या पढ़ना है, ग्रोथ पढ़ना है एक तो, और एक डेवलपमेंट पढ़ना है. तो आज ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे. ग्रोथ एक बड़ी जनरल सी टर्म है. ग्रोथ का मतलब सारे बच्चे समझते होंगे कि कुछ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. जैसे ज्यादातर हम कैसे कहेंगे, साइज इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ग्रोथ मीन्स समथिंग इज इंक्रीजिंग. तो डेफिनेशन बतानी तो बहुत आसानी रहेगी ग्रोथ की. सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या ग्रोथ है, मेरे बगैर ही आपको पता होगा. यस, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन. इरिवर्सिबल इंक्रीज है, परमानेंट इंक्रीज है. ओके, किस चीज में? साइज हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. साइज हो गया, वॉल्यूम, वेट, ओके. ऑफ किसका? इट कैन बी ऑफ अ सेल, टिश्यू या ऑर्गन, कुछ भी हो सकता है. तो ये तीन चीजें लिख लो. इट कैन बी ऑफ अ सेल, टिश्यू और ऑर्गन. ग्रोथ के टाइम पर बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बहुत ज़्यादा. जैसे कहते नहीं है कि देखो बेबी ग्रो कर रहा है, ये इसकी बढ़ने की उम्र है, तो इसको अच्छा खाना पीना दो क्योंकि इसकी हाइट बढ़नी है, ठीक है. तो वही ग्रोथ के टाइम पर बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. ना ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद हाई डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. एनसीईआरटी की ये लाइन है. ओके, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दो तरह की होती है. अगर कोई चीज हम बना रहे हैं, वी आर मेकिंग समथिंग, सो दिस इज नोन एज एनाबॉलिज्म. और इफ वी आर ब्रेकिंग समथिंग, इट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. तो यहाँ पर एनाबॉलिज्म भी होगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा. देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? It includes all the reactions which are involved in synthesis, formation, synthesis. Catabolism, it involves the reactions which are involved in breakdown. Okay? So, synthesis भी हो सकता है, breakdown भी हो सकता है. बड़ी simple सी बात है, लेकिन it is quite simple कि अगर आपने growth करनी है, जैसे size बढ़ाना है, तो दोनों में से ज़्यादा क्या होना चाहिए? Amongst these two, anabolism should be more. तो ये line है NCERT की. देखो अब आजकल you can see ना, what is the trend being followed in the NEET exam? NCERT. अपनी कोई कहानियाँ नहीं बनानी है, जो NCERT की line है, उसको thorough करना हमने. Fine? तो हाई डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हों, देयर माइट बी सेवरल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एनसीईआरटी, हु हैव स्टडीड एनसीईआरटी वंस एंड नाउ दे आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. तो कैसे रिवाइज करोगे? तो जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फिलिंग द ब्लैंक बना दो, छुपा दो उसको, इसको ऐसे छुपा दो. एंड देन यू शुड रीड. And then you fill this blank. Growth is associated with high degree of metabolic activities. Fine? Yes, today is live. Yes, today is live session. You can ask your doubts. You can ask your doubts. And you know that number once again. I am writing it here. 9311883484. So you can WhatsApp me. On this number, you can ask your doubts related to this topic. Okay, Nilesh? Fine. Chalo. Aage chalte hain. Plant growth unique hoti hai. Unique kaise? Matlab? Unique isliye? Because in plant, growth occurs throughout the life cycle. Throughout the lifetime. To aapne dekha hoga, aapke ghar ke bahar koi, jaise maan lo, mango plant hai. Let's say. ठीक है, इन दैट मैंगो प्लांट, ये मान लो नीम है, नीम ज्यादा कॉमन दिखेगा, नीम प्लांट है. एंड इन दैट नीम प्लांट व्हाट यू सी, दैट न्यू लीव्स दे कीप ऑन कमिंग, नई पत्तियां आती रहती हैं, ब्रांचेस आती रहती है. अरे ग्रोथ रुकती नहीं है, रुकती नहीं है.
सो इन द प्लांट्स ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस. सो जब ग्रोथ रुकती नहीं है, क्लोज ही नहीं होती जी, बंद ही नहीं होती है, यही कह रहे थे ना, बंद ही नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है. तो ऐसी फॉर्म ऑफ ग्रोथ को आप क्या कहोगे? ओपन. बंद हो जाती है तो कहते क्लोज, अगर बंद ही नहीं होती है तो क्या कहोगे? ओपन ग्रोथ है. फाइन. सो प्लांट, इन प्लांट ग्रोथ इज यूनिक. यस, दैट प्लांट्स हैव द कैपेसिटी फॉर इनडिटर्मिनेट, ये वर्ड पे फोकस करो, और अनलिमिटेड ग्रोथ, चलती जा रही है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है. यस, इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ. यस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस अनलिमिटेड ग्रोथ? इसका रीजन बताने से पहले एक और वर्ड हम जो मिस कर रहे हैं यहां पर, कि जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है, अनलिमिटेड है, कभी बंद ही नहीं होती है. तो बंद ही नहीं होती है तो यू नॉट वॉन्ट टू यूज द वर्ड क्लोज. क्या वर्ड यूज करेंगे मेरे बच्चे? ओपन ग्रोथ है. चलिए चलिए लिखिए. इन प्लांट्स, देखो कितना बड़ा हो गया ये कर्सर, छोटा करना है इसको. वेट 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 वेट. सो व्हाट यू कॉल सच टाइप ऑफ ग्रोथ? हैज इट इज नोन एज क्लोज ग्रोथ. ठीक है, अब देखो रीजन क्या है भाई, ऐसा क्या चीज है कि उनके अंदर ग्रोथ जो है वो चलती जा रही है? सारे बच्चे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो. देखो जी बताइए क्यों है, क्या रीजन है? यस, टुडे सेक्शन इज लाइव, बी इंटरैक्टिव, कीप ऑन सेंडिंग योर आंसर्स ऑन द व्हाट्सएप. हाँ नीलेश, क्या आंसर है? श्रेंजोय, आ नहीं रहा जवाब, कोई नहीं आ रहा आज. यस, बिकॉज दे हैव एट सर्टेन लोकेशंस, इनके अंदर सेल्स हैं जो डिवाइड करते रहते हैं. कुछ ऐसी लोकेशंस हैं वेयर देयर आर सेल्स विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, नए नए सेल्स पैदा होते जा रहे हैं. आई गॉट द आंसर फ्रॉम प्रियांशु जैन. यस, ग्रेट. यस, सो दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स. एंड वी नो दैट जब नए नए सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं, जो टिश्यू नए सेल्स बनाता है उसको क्या बोलते हो? मेरिस्टेम. सो हियर क्रेडिट गोज टू मेरिस्टेम. सो मेरिस्टेम इज अ टिश्यू विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. नए सेल्स बनेंगे तो ग्रोथ ही होगी, ग्रोथ ही होगी. यस, सृंजन हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट इट हैज हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जब ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है ना, यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, गॉट लॉट्स ऑफ पैसा, एटीपी लगेगा भाई. ठीक है, चलो. नाउ वी आर टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम. इसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है ना, इसी की वजह से तो है जो बाहर खिड़की के बाहर जो मैंगो प्लांट लगा हुआ है उसके अंदर कितनी पत्तियां बन रही हैं, लीव्स बन रही हैं, ब्रांचेस बन रही है. किसकी वजह से? ये मेरिस्टेम. सो इट इज द टाइम टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम. सो टू बेसिकली कैटेगरीज आर देयर, एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम. जो सी है व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, लेट्स मेक शूट ऑफ द प्लांट. ये शूट है, ठीक है. इन द शूट वेयर एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स. सी हियर, इट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स. सो दिस वन. So if it is present at the shoot apex, you call it as shoot apical meristem. It's shoot apical meristem. For meristem we can write M. But if it is present at the root tip, देखिए 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 यहाँ पे, यहाँ पर. So this is root tip. Then what are you going to call it as? You're going to call it as root apical meristem. फाइन. सो एपिकल मेरिस्टेम इट इज गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप्स. शूट की टिप पर है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट की टिप पर है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेरिस्टेम? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या है? सोचो क्या करती होगी ये मेरिस्टेम. विल इट इंक्रीज द डायामीटर ऑफ शूट? ऐसे डायामीटर इंक्रीज करेगी. और विल इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शूट? हां जी, क्या इंक्रीज करेगा, क्या लगता है?
एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, कीप दिस इन माइंड, इट इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ. याद रखना ये बात, भूलना नहीं है. एपिकल मेरिस्टेम, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम? इट विल इंक्रीज लेंथ. If it is going to increase length, it means you are going to say that it is going to be involved in primary growth. Primary growth mein involve hai. Okay, bacha. So primary growth is going to be the function of the apical meristem. Lamba kar dega bhai, lamba. पर प्लांट सिर्फ लंबा थोड़ी होता है भाई, हमें तो ये भी पता है, वी नो दिस वेरी वेल, दैट इन प्लांट देयर इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज इन डायामीटर. डायामीटर भी तो बढ़ता है ना, प्लांट देखते हो तुम, डायामीटर. डायामीटर किसकी वजह से बनेगा? डायामीटर इज गोइंग टू बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग टू हेल्प इन इंक्रीज इन डायामीटर. फाइन. सो lateral meristem, let's look at the position first. So let's say this is shoot, and in the shoot I am making the meristem here. So now can you see ki jo meristem hai, it is on the side. This is lateral meristem, ye lateral hai. And you know, koi bhi meristem agar lateral ho, any meristem which is lateral, usko kya bolna hota hai? Usko kya bolna hota hai? You call it as cambium. So any meristem which is lateral, you call it as cambium. ये तो एकदम clear होना चाहिए, बहुत important बात है. अब इसने क्या करना है? It is going to increase the diameter. देखो कैसे 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 कैसे. It is going to add cells towards the inner side as well as towards the outer side. देखो जरा, it is going to add cells towards the inner side, andar aur bahar ki taraf. So this is going to increase the diameter. So we can write here, it increases diameter, or you can say it increases girth. Increase karta hai ye, theek hai, girth increase karta hai. Okay, and what do you call this growth as? This is going to be secondary growth. हाँ जी बच्चा, इजी सा बात है, एनाटॉमी में भी पढ़ाई है. ओके, प्रियांशु का एक क्वेश्चन है. प्रियांशु जैन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज एपिकल और लैटरल? इंटर कैलरी मेरिस्टेम ना एपिकल है ना वो लैटरल है, वो अलग तरह की मेरिस्टेम है. एंड दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, चलो. तो अब ये बात क्लियर होगी सबको, लेंथ बढ़ानी है. इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द लेंथ तो एपिकल, and if we want to increase the diameter then it is going to be lateral. हाँ निलेश, कितनी देर से मैं यही तो बता रही हूँ. apical meristem जो होती है, दोबारा सुनो, tip पे present होती है. बेटा देखो, see here, tips पे. okay, here, fine, but lateral meristem tips पे नहीं है, देखो side पे है. ये देखो side पे present होती है ना. so there are different locations ना निलेश, जहां पर meristem present होती है. okay, fine, position अलग अलग है. नाउ अब ग्रोथ को मेजर कर सकते हो ना. हाँ जी भाई, ग्रेड मेजर कर सकते हैं. मेरी पहले जो हाइट थी वो कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, फिर रुक गई. क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ जो होती है वो ऐसे थोड़ी है, वो तो चलती रहती है. ऐसा थोड़ी है कि मैडम पिछली क्लास में आई थी तो मैडम की कम हाइट थी, अब मैम आई है तो ज्यादा हाइट है. नो, इन एनिमल्स growth is not going to occur always, it will not continue. वो रुक जाती है, बंद हो जाती है. that's why हमारे अंदर growth को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, chat box में लिखिए, क्या कहते हैं हमारे अंदर growth को? closed growth है. ठीक है, anyway whether the growth is closed or open, it is measurable. height आप आराम से माप सकते हो. if it is measurable that's why what you are going to say that growth is क्वांटिटेटिव इन नेचर. ये लाइन वर्ड सुनो अच्छे से, इसको याद करो. इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. ओके,
ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इज इट क्वालिटेटिव इन नेचर? व्हाट यू से, इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर ऑल्सो? ये तो मैंने बता दिया, मैडम ने बता दिया, दिस इज देयर. डू यू थिंक इट्स क्वालिटेटिव? क्वालिटी क्या होती है? ग्रोथ की क्वालिटी. ग्रोथ की क्वालिटी कोई होती नहीं है भैया. साइज इंक्रीज होना है या डायमीटर इंक्रीज होना है या कुछ भी और होना है, क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? ग्रोथ तो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ तो ग्रोथ है, क्वालिटी तो कुछ नहीं है. हाँ, क्वांटिटी हो सकता है, अभी किसी का बच्चा ज्यादा लंबा हो गया तो ज्यादा बढ़ गया है, किसी का कम बड़ा हुआ है, ज्यादा हाइट नहीं निकली है, तो क्वांटिटी ही वर्ड यूज करेंगे. क्या लगता है, क्वालिटी यूज करेंगे? नहीं करेंगे मेरे बच्चा, नहीं करेंगे. सो यू आर गोइंग टू यूज दिस, तो इसको क्रॉस लगा दो, ठीक है. सो इफ इन द ऑप्शन इट कम्स वेदर द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो याद हो गया भाई अच्छे से क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी ओनली क्वांटिटेटिव. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, जर्नल टॉपिक है एकदम. साथ साथ जो मैं मैम कीवर्ड्स बोल रही है ना, उनको याद करते जाओ, याद करते जाओ कीवर्ड्स को. ओके, सो राइट द कीवर्ड्स ऑन वन पेज. नाउ आगे चलते हैं. पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट. सो क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हिच पैरामीटर्स शुड बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ मेजरमेंट? क्या यूज करें ग्रोथ को फाइंड करने के लिए? तो जैसे मैंने जिस जिस बच्चे को पैरामीटर्स आते हैं कि ग्रोथ में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर है, वो लिखना शुरू कर दो चैट बॉक्स के ऊपर. हाँ जी, सृंजन. सृंजन का एक क्वेश्चन है कि मैम आज आपने एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम बताई है, क्या बोथ मेरिस्टेम दे कैन वर्क एट द सेम टाइम्स? यस, इट कैन बी देयर. ओके, फाइन देन. ओके, सो वी हैव टू सी क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए. सी हियर, सो मेनी पैरामीटर्स. So with the help of this beautiful diagram, you can learn what parameters can be used. So पहला देखो जरा, fresh weight, dry weight, ये use कर सकते हैं. So this is going to be used for fruits and vegetables. ठीक है ना, तो fruits, vegetables के अंदर ये वाला. सेल साइज, इवन सेल साइज. देखो, फाइंडिंग द सेल साइज इज नॉट इजी, बिकॉज यू नो दैट ना, सेल का साइज कितना ही छोटा होता है. देखो भैया, वेट फाइंड करना इजी है, वेट फाइंड करना इजी है. जैसे दो एप्पल मेरे पास हो, उनका वेट फाइंड करना इजी है. पर एप्पल में अगर मैं बोलूं कि आप इनसाइड द एप्पल यू फाइंड द सेल साइज, आसान है कि मुश्किल है? क्या कहते हो? मुश्किल है भाई. सेल साइज इज, सेल इज सो नन्नू ना, इट्स सो स्मॉल. सो सेल साइज समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड. सो फॉर दिस आई एम गिविंग यू वन अमेजिंग एग्जाम्पल विच इज देयर इन द एनसीईआरटी. किसका है भाई? ये है हमारा वाटरमेलन. वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर जो सेल साइज है दैट इंक्रीजेस बाय हाउ मच, हाउ मच टाइम इट इंक्रीजेस? दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, चार गुना नहीं. ओके, हाउ मच? 3,50,000 टाइम्स. माय गॉड, द सेल साइज ऑफ वाटरमेलन इट इंक्रीजेस बाय 3,50,000 टाइम्स. ओके मुस्कान, ये नोट करो यहां से. ओके फाइन. वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी यूज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. So again, I can write here, fruits and veggies. Okay, then surface area. Surface area is basically used for the flat organs. Flat organs के लिए use किया जाता है. So, like leaf, you can use it for leaf. Petals, sepals, ये सारी flat organs है. Then length, length is used for the stem. Then root. Hey, sometimes you can also find the cell number. ठीक है, that कितनी growth हुई है, जितने number of cells ज्यादा है उतनी growth ज्यादा है, ऐसे ही बोलोगे तो, ठीक है. But number of cells, again, finding number of cells is difficult, nah. You cannot see cells with the naked eye. So you have to use microscope, you have to go for the techniques.
ओके सो इट्स डिफिकल्ट, सो जनरली इट इज नॉट प्रेफर्ड. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पर अब देना तो पड़ेगा ही. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, डब्लू को उल्टा कर दो भाई, डब्लू को उल्टा दीजिए तो क्या बन जाएगा, मेज. मेज मेज में जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, पता तुम्हें ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, 1 घंटे में कितने सेल्स बनाएगी, 1 घंटे के अंदर 17,500 सेल्स ओ पर आर. सो मेनी सेल्स मेज प्लांट में भैया, इतनी इतनी छोटी सी रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है. एंड व्हाट इट इज गोइंग टू फॉर्म, इट इज गोइंग टू फॉर्म 17,500 सेल्स 1 घंटे में. तो ये याद रखना है, 1 आवर, तो 1 सेकेंड नहीं कर देना, 1 मिनट नहीं कर देना है. ओके सो यू शुड सी दैट ये जो रेट किस रेट पे बताया जा रहा है वो याद करना है. सो मेनी फीचर्स यू कैन यूज हियर. कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो याद हो रहा है. ओके अब मेरे बच्चों के लिए एक सवाल है. यस, इनमें से कौन सा पैरामीटर यू आर गोइंग टू यूज फॉर द पॉलन ट्यूब ग्रोथ. चलो 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 बताओ भाई, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, जैसे ये पॉलन है, ये सुनो 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 सुनो, ये पॉलन है, पॉलन ये इज फॉर्मिंग दिस ट्यूब. फाइन, इफ इट इज फॉर्मिंग दिस ट्यूब, सो विच पैरामीटर यू आर गोइंग टू यूज फॉर फाइंडिंग द ग्रोथ इन द पॉलन ट्यूब. चलो मेरे बच्चे लिख के बताइए चैट बॉक्स पे. आ गया सृंजन का जवाब, आ गया. आई एम सो हैप्पी हैप्पी, गुड गुड. अलॉन्ग विद द आंसर ना, यू ऑल्सो राइट योर नेम, अदरवाइज आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई हु इज देयर. ओके, सृंजन हैज गिवन आंसर, अमोघ हैज गिवन आंसर, आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग. निलेश हैज गिवन, यस. लेंथ यूज करेंगे भैया, पहले छोटी थी फिर और बड़ी हो गई है, छोटी थी फिर और बड़ी हो गई है, तो क्या यूज करेंगे, लेंथ यूज करेंगे. बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है. क्लियर है, चलो आगे चलते हैं. नाउ नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, क्या क्या फेजेस ग्रोथ की हैं, मतलब कब हो सकता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, कब हो सकता है कि ग्रोथ ज्यादा हो गई है, कब हो सकता है कि ग्रोथ थम गई है, रुक गई है, कब स्टार्ट हुई है, मतलब फेजेस, मतलब फेजेस का मतलब यही तो हुआ ना, कब स्टार्ट हुई, कब बहुत ज्यादा हो गई, कब रुक गई, दैट्स ऑल कम्स अंडर द फेजेस ऑफ ग्रोथ. सो लुक एट दिस, लुक एट दिस. नाउ फर्स्ट फेज इज मेरिस्टमैटिक फेज, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फेज फर्स्ट. सेकेंड इज इलोंगेशन फेज एंड थर्ड इज मैच्यूरेशन फेज. ओके, तो तीन फेजेस पढ़ने के लिए तैयार है. ओके ओके ओके, यू कैन ज्वाइन द इवनिंग वाला सेशन ना. दोज हु आर सेइंग दैट देर इज अ प्रॉब्लम इन टेकिंग क्लासेस ड्यूरिंग मॉर्निंग बिकॉज देयर स्कूल्स विल स्टार्ट, तो यू कैन टेक द इवनिंग सेशन ना. रोइए मत, इवनिंग सेशन ले लीजिए ना, ठीक है. सृंजन प्लीज डोंट क्राई, ओके, देर इज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. चलो अब सारे बच्चे अब सुनो क्या क्या होने वाला है. सो फर्स्ट फेज जो है ये कौन सी फेज है, अब देखो जरा, मैरिस्टमैटिक फेज. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल विच इज देयर इन द एनसीईआरटी. तो ये मैंने बना दिए रूट. नाउ इन द रूट हियर यू हैव रूट एपिकल मैरिस्टम, दिस मैरिस्टमैटिक सेल्स. सो दीज मैरिस्टमैटिक सेल्स दे विल फॉर्म न्यू सेल्स, दे विल फॉर्म न्यू सेल्स. ओके सो दे आर गोइंग टू फॉर्म न्यू सेल्स, सो इट मीन्स सेल पैदा होगा, ये फर्स्ट स्टार्ट हो गया, मतलब सेल सेल पैदा हो गया. सो सेल पैदा हो गया, दैट्स वाई व्हाट यू कॉल इट एज, इट इज सेल फॉर्मेशन फेज, सेल डिवीजन फेज, सेल फॉर्मेशन फेज या सेल डिवीजन फेज. ओके सो लेट्स से दैट इज दिस इज सेल ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वाला, इट हैज फॉर्म्ड टू सेल्स,
ओके, इट हैज फॉर्म्स टू सेल्स. ऑलवेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट वन सेल इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड अनदर सेल विल लूज द डिवीजन. सो हमेशा ऐसे होता है कि दो जो सेल बनेंगे उसमें से एक बच्चा कहेगा मैंने तो डिवाइड ही करना है. ओके, और जो सेकेंड होगा दैट इज गोइंग टू लूज द डिवीजन कैपेसिटी. ओके, नाउ ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट हियर, व्हाट आर दे, लार्ज इन साइज और स्मॉल इन साइज, कैसे हैं? पहले भी बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू दिस इन एनाटॉमी, दैट ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेरिस्टेम दे फॉलो दिस कोड वर्ड एज टी डी वी. दे फॉलो दिस कोड वर्ड. व्हाट इज एस? स्मॉल साइज. T is thin wall. D, dense cytoplasm. No, no. बच्चों से मैं पूछती हूँ ना, जब when I ask students ना, बेटा what is dense cytoplasm? तो बच्चे कहते हैं मैम डेंस होगा, काफी ज्यादा ना, काफी भरा होगा. डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? सी है, रियलिटी में मीनिंग समझो. ये साइटो, ये मान लेते सेल है. ओके, so when we, in the case of meristem you know that inside the cell you don't have a vacuole nahi hota, ye hata diya vacuole. Okay, so what will happen if vacuole is absent? If vacuole is absent to us jagah par bhi cytoplasm hi thusa hoga na. Vacuole is absent, it means that space is going to be occupied by the cytoplasm only. So when vacuole is absent, then only you are going to say that cytoplasm is dense. So dense cytoplasm मतलब what is absent? V, V का क्या मतलब हो गया? Vacuole absent है. So you have to learn all these features with the help of this code word STDV. These are the features for any meristem. कोई भी meristem लिख लो इसको, कहीं किसी भी meristem के लिए ये features होते हैं. Okay? So there is a question for you. क्वेश्चन फॉर माई प्यारे बच्चे, दैट इस फेज में रेस्पिरेशन एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए चैट बॉक्स पे. यस, अरे कोई जवाब ही नहीं आ रहा. इस फेज में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा. यस, आई गॉट द आंसर फ्रॉम सिंजन. ऑब्वियस है ना, नए नए सेल फॉर्म करने हैं, नए नए सेल, न्यू नए नए बच्चे बनाने हैं ना भाई. सो ऑब्वियसली इन दिस फेज द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज हाई. लिख लो भैया साइट पे, लिख लो. फाइन. So out of these two cells, please listen, out of these two cells, ये जो cell कह रहा है मेरे को तो divide नहीं करना. If this cell will not divide, so now see, let's see what is the fate of this cell. Let's see here. Now again I am making that root, this is that root. In the root, this cell, I am making only one cell. It has formed two cells. देखो जी, दो cell बनाए हैं. Okay. One cells lose its division capacity. तो जैसे मान लेते this has lost its division capacity. Now what is going to happen to this cell? What is going to happen to this cell? ये जो cell है अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा. Meristem कहती है ना कि तू divide नहीं करना चाहता, तो बाहर निकल यहाँ से. So this cell जिसने अब divide नहीं करना है, it is going to move from here. It is going to move from here and it will start elongating. See. कितनी ग्रोथ हो रही है भाई, लंबा हो रहा है भाई सेल. पहले छोटा था, लंबा हो रहा है. तो ये हमारी फर्स्ट फेज थी, अब क्या हो गया? नाउ द सेल्स दे आर इलोंगेटिंग. इफ द सेल्स दे आर इलोंगेटिंग, इट इज क्वाइट सिंपल. इस फेज को व्हाट यू विल कॉल दिस फेज एज? इलोंगेशन फेज. तो सेल वहां से निकल गया, पहले नन्नू सा था, अब ग्रोथ हो रही है, लंबा हो गया. तो क्या बोलना मेरे बच्चे इस फेज को? इलोंगेशन फेज. So let's see what are the features of the elongation phase. It is LTV, large size cell,
thin wall, and now they have vacuole. Hey, so if I make this cell here, lamba wala cell here, so it is going to have a vacuole. It is going to have vacuole inside. This is a big vacuole. Okay. So you might be thinking now, ma'am, it is not dividing. It means it is lazy. No, not at all. भैया डिवाइड नहीं कर रहा, पर कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा दैट दिस सेल इज लेजी. लेजी नहीं है. नाउ दिस सेल विल ऑक्यूपाई, और दिस दिस सेल विल ऑक्यूपाई सम अनदर फंक्शन इन द प्लांट. दोबारा 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 सुनो इसको. ये जो सेल गया है, ये कह रहा है मैंने डिवाइड नहीं करना. तो तुम सोच रहे हो ये सोचता है बेकार है. नहीं, कहते मेरे को डिवीजन नहीं करनी है. यू कैन गिव मी सम अनदर फंक्शन इन द प्लांट ना. सिर्फ डिवीजन का फंक्शन तो नहीं होता है, जैसे खाना बनाना, पानी लेके जाना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना. ओके, तो इसका मतलब अब ये सेल अपने आप को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा किसी और फंक्शन के लिए. और कितनी बात तो बता दी है ये बात. व्हेन सेल्स दे मॉडिफाई देमसेल्फ फॉर सम अनदर फंक्शन, व्हाट यू कॉल दिस प्रोसेस? हिंट दे रही हूँ, डी से स्टार्ट होता है. क्या बोलते हो इस प्रोसेस को? चलो 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 चलो, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसको कहते हैं डिफरेंसिएशन. तो जब कोई सेल अपना डिवीजन छोड़ देता है और सुस्त नहीं है, इट इज गोइंग टू चेंज इट सेल्फ फॉर सम अनदर फंक्शन, टू परफॉर्म सम अनदर फंक्शन, व्हाट यू कॉल इट एज? डिफरेंसिएशन. तो पहुंच गए हैं अब हम, देखिए कौन सी फेज में? डिफरेंसिएशन फेज में. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंसिएशन. इन डिफरेंसिएशन सेल्स मॉडिफाई देमसेल्स टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन डिवीजन. लेट से, चलो ऐसा करते हैं, लेट से दैट सेल हैज डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट वाटर. ठीक है, ये चलेगा. सेल हैज डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट वाटर. इफ सेल हैज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ जाइलम. ठीक है, तो ये देखो जरा, ये रहा सेल, वो ये रहा सेल. कहते जी मेरे को तो पानी लेके जाना है, मेरे को पानी लेके जाना है, पानी लेके जाना है. तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द जाइलम. जाइलम, इन द जाइलम इट कैन बिकम पार्ट ऑफ द वेसल्स. ठीक है, अब वेसल्स कैसी होती है बेटा? वेसल्स कैसी होती है? पाइप की तरह होती है, वो स्ट्रॉ की तरह. तो इसको तो और लंबा होना पड़ जाएगा ना भाई, पाइप की तरह. तुम देखो जो तुम्हारे घर में वाटर पाइप है जैसे, वैसे इसको तो और लंबा होना पड़ जाएगा. इट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स साइज फर्दर. ओके, एंड व्हाट यू वॉन्ट? What do you want? This pipe should be weak or strong? Strong. ये pipe strong होना चाहिए. If this pipe should be strong, तो it means its wall should be thicker now. So can you see? अब इस weak pipe थोड़ी बनाएंगे भाई. We are going to make pipes which are strong. So it means during this phase, now the cell wall, it is going to accumulate material ताकि ये thick हो जाए. Thick हो जाए, पहले thin थी. Okay. And अंदर जो भी cytoplasm है, whatever cytoplasm which is present inside, now that is going to degenerate. तो अंदर सब खाली हो गया, degenerate हो गया, मर गया ये, मर गया ये, dead हो गया. एंड नाउ इट कैन मिमिक का पाइप, मर जाएगा तो पाइप की तरह मिमिक करेगा. एंड इट कैन ईजली ट्रांसपोर्ट, इट कैन ईजली ट्रांसपोर्ट वॉटर. देख लो भाई, इसने अपना फंक्शन चेंज करा. इट हैज चेंज इट्स फंक्शन, यस, फ्रॉम डिवीजन नाउ इट हैज एक्वायर फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पानी. और पानी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब देखो इसको क्या क्या करना पड़ेगा. लंबा हो गया, थिक वॉल हो गया,
अंदर सारा मटेरियल मर गया ताकि ये पाइप की तरह बन जाए एंड इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन कौन सी फेज में होगा? क्या लगता है भाई, सबसे ज्यादा जो हुलिया बदलेगा वो कौन सी फेज में होगा? दैट इज गोइंग टू बी इन दिस फेज. एनसीईआरटी लाइन याद रहेगी, हुलिया बदल जाना, बिल्कुल चेंज हो जाना. सो ड्यूरिंग दिस फेज, यस, ड्यूरिंग दिस फेज देर इज मैक्सिमम, देर इज मैक्सिमम मॉडिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल थिकनिंग. CW लिख देते हैं वॉल के लिए, सेल वॉल के लिए, सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन. बताओ समझ आ गया तो सारे बच्चे जरा मुझे थम्स अप दे दो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर समझ आ गया तो. चलो 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 बोलो, क्लियर है? ओके गुड, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, सोचो 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 जरा, नाउ दिस मॉडिफिकेशन विच हैज अकर्ड, सारे बच्चे ध्यान से सुनो जरा मुझे, वॉट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू हियर ना, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो चेंज हो रहा है, ये जो डिफरेंसिएशन हो रहा है, ये टेम्पररी है कि परमानेंट है? ये पाइप बन गया, स्ट्रॉ बन गया, दिस इज टेम्पररी और परमानेंट? ये जो बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, वॉल थिक हो गई, सेल मर गया, यस, व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन कम ऑन, दिस बदलाव इज ऑलमोस्ट परमानेंट. In majority of cases, this बदलाव is permanent. That's why we say na that differentiation results in the formation of a permanent tissue. तभी तो ये कहते हैं. Okay बेटा, तो लिखिए that this बदलाव is almost permanent. That's why differentiation. Okay. Differentiation results in the formation of which tissue? Permanent tissue. तो देखो, आई तो लर्न इट लाइक दिस, डीपी डीपी दैट डिफरेंशिएटेड टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. आई लर्न इट लाइक दिस, डीपी. ओके, तुम्हें भी ऐसे ही याद करना है, डीपी से ही याद करना है. तो देखो कितनी अचंभे की बात है, सेल मर गया, सेल मर गया और पानी लेके जाएगा, क्योंकि मरेगा तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बिकम एम्प्टी एंड इट विल टेक वाटर. सो इट मींस समटाइम्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल इवन डाई. डोंट वरी, वही उसका काम है भाई, पानी नहीं तो लेके ही नहीं जा पाएगा ना. सो डोंट वरी, सो इट शुड बी क्लियर दैट ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स कैन इवन डाई, हो सकता है. ओके, so again we can make that diagram which we have formed previously, this one. In the this diagram, this is the first phase of the cell growth. ये पहली phase है जिसमें cell पैदा हो रहा है, then वो यहाँ पर लंबा होने लग जाता है, elongation हो रहा है, और यहाँ पर जो cells हैं वो पूरी तरह mature हो जाते हैं. Yes, ये third phase है, mature. मैच्योर, कोई जाइलम बन गया, कोई फ्लोएम बन गया, ऐसे मैच्योरेशन हो जाएगा, मैच्योरेशन हो जाएगा. क्लियर है? हो गई तीनों फेजेस, आसान है. तो आसान कैसे कैसे कहोगे? पैदा होना, फिर लंबा होना, और फिर किसी काम के लिए क्या हो जाना? डिफरेंशिएट हो जाना, स्पेशलाइज हो जाना. तो जैसे मैं जब पूरा टॉपिक पढ़ाती हूँ ना,
पर आप टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं एक लाइन बोलती हूँ, वो उसका जेस्ट होता है। वो लाइन या तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो या रिकॉर्ड कर लो। अब मतलब यू नो देर आर सेवरल वेज टू स्टडी। जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरीका यूज करें कि लिखते जाएं, या तो और भी तरीके यूज कर सकते हो। तो आई वॉज लुकिंग एट वन रिसर्च पेपर, तो वहां पे कह रहे कि जो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैंने आज टॉपिक पढ़ाया, इसके कुछ पंच मार्क लाइन्स होंगी इंपॉर्टेंट, उन लाइन्स को आप अपने व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग का बटन होता है ना, वहां पे रिकॉर्ड कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको सुनो सुनो रात को, फिर वो याद रहेगा। तो मतलब कभी कभी हम ना बोर हो जाते हैं एक ही स्टाइल से, तो यू कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ना। क्या कहते हो मेरे बच्चे, मैं तो बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए तो आई तो गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। ओके, हाँ देखो जी, सृंजन ने कितना कितना अच्छा कोडवर्ड बनाया है, मेरे को तो शेयर ही करना पड़ जाएगा सृंजन का कोडवर्ड। सृंजन ने कोडवर्ड बनाया है बेड। ओ आई एम इट्स दिस इज सो अमेजिंग। बच्चे आर मेकिंग कोड वर्ड्स। ओके, दे आर मेकिंग न्यूमैनिक्स न्यूमैनिक्स न्यूमोनिक्स सॉरी। तो बी उसने बनाया पैदा होना, बर्थ, लंबा होना, इलोंगेट, और डी डिफरेंशिएट होना। ठीक है, ओके सृंजन, आई रियली लाइक योर स्पिरिट। ओके, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ रेट्स। सो ग्रोथ रेट मीन्स वॉट? दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। ग्रोथ है ना, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन फॉलो इधर अरिथमेटिक पैटर्न। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, सिंपल। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, इधर इट कैन बी अरिथमेटिक ग्रोथ, ये देखो जरा वर्ड देखो, और इधर इट कैन बी ज्योमेट्रिक। तो दो तरह की है भाई, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, आसान है बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में यू सी व्हाट हैपेंस। लेट से दैट दिस इज वन सेल, इट अंडरगोज डिवीजन। डिवीजन है तो ऐसे बीच पे दिखा देते, ऐसे कट रहा है, ठीक है, डिवीजन। एंड आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म्स टू सेल्स। Like this. Now out ये these two cells, out of these two cells, one so keep on dividing this one, and another one will lose division. तो arithmetic का फंडा देख लो, ये वही फंडा है जो मैंने अभी पढ़ाया है कि दोनों में से एक cell जो है it keeps on dividing and one will lose division. Lose division doesn't mean that it has become lazy. क्या हो गया है वो cell? क्या हो गया है? क्या कहते हैं वो? DP हो गया है। डीपी क्या हो गया है? ये जो सेल है ये डीपी हो जाएगा। डीपी क्या हो गया? डिफरेंशिएट, एंड इट इज चेंज इनटू डिफरेंशिएटेड और परमानेंट टिश्यू। इट बिकम पार्ट्स ऑफ डिफरेंशिएटेड और परमानेंट टिश्यू, डीपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये वाला सेल तो यहीं पर ही है, सो ये तो हमने बना ही ली है। नाउ दिस सेल विल अगेन डिवाइड, this will again divide and it will form two cells like this. Two cells banaye. Out of these two cells again one will remain meristematic aur dusra wala fir kya ho jayega? DP ho jayega. Ye wala DP ho jayega. Theek hai? So again we can show this. So two cells are already there. One is this. Another one is this. Now this cell has again shown division and it has formed two cells like this. So one is going to remain meristematic, this one will remain meristematic, and another one is going to be changed into DP, it will lose the
डिवीजन. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग है, व्हाट ट्रेंड वी आर फाइंडिंग हियर, दैट एवरी टाइम इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ सेल्स, चलो सेल्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पर एक सेल था, अब दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, देन हाउ, सो एवरी टाइम हाउ मेनी सेल्स आर बीइंग एडेड, हर बार कितने सेल्स ऐड हो रहे हैं, एक सेल ऐड हो रहा है, कॉन्स्टेंट है भाई, एक सेल हो रहा है ऐड, एवरी टाइम वन सेल इज बीइंग एडेड, इसको कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ. पर अगर ऐसा होता ना, पर अगर ऐसा होता हर बार एक सेल नहीं ऐड होता, ऐसा होता दो से जैसे चार सेल बन जाते, चार से आठ बन जाते, ओ एट से 16, देन इट्स नॉट अरिथमेटिक ग्रोथ, देन इट फॉलो सम डिफरेंट पैटर्न. अरिथमेटिक में याद रखना है एवरी टाइम वन वन सेल इज बीइंग एडेड. क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है. सो नाउ यू सी आई एम रबिंग दिस मच पार्ट ओनली, सी हियर नाउ. Just a second, beta. Okay. Now, so what we are with, we are trying to measure this. We are going to try to measure this. So what we are doing, on one side of the axis, I am going to take time. And on another side, I am going to take number of cells. And what I am going to observe, what I am going to get here, that every time one cell is being added, so what type of growth is there? Linear growth, like this. So you are going to get graph like this. This is linear growth. Now this type of growth is shown by the stem and root when they increase their length. So stem and root when they increase their length, then meristems they show something like this. I have just explained this. अभी तो मैंने explain करा कि वो ऐसे show करते हैं, ठीक है? So let's say. अब देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर मेरे को स्टेम और रूट में ग्रोथ फाइंड करनी है तो मैं क्या पैरामीटर यूज कर लूं, लेंथ यूज कर लूं, है ना भाई? लेंथ तो मुझे दिखेगी भी ना, उसको फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो मैम इजी वाला ले लेंगी पैरामीटर, तो यहां पर मैं लेंथ ले लेती हूँ, लेट्स टेक लेंथ है वो, ओके. So see here, अब इसमें इक्वेशन देखो, सारे बच्चे इक्वेशन देखो, लेट से दैट दिस इज इनिशियल लेंथ, दिस इज इनिशियल लेंथ, ठीक है? जैसे मान लो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ है, एंड आई नीड टू फाइंड द लेंथ आफ्टर टाइम टी. टाइम टी मतलब मैंने 1 वीक के बाद मैंने देखनी है कितनी लेंथ हो जाएगी, पहली अभी कम है तो अब 1 वीक के बाद कितनी हो जाएगी. सो दिस इज लेंथ आफ्टर टाइम टी, और यू कैन से फाइनल लेंथ. तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल लेंथ क्या है पहले वो तो रखेंगे ही, प्लस क्या ग्रोथ रेट है, दिस इज आर इज ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कितनी ग्रोथ होती है पर यूनिट टाइम, एक दिन में कितनी हुई, एक दिन में कितनी ग्रोथ होती है, ऐसे पर यूनिट टाइम. और फिर कितने टाइम के बाद मुझे फाइंड करनी है, मैम हैज टू फाइंड इट आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद. सो टी इज गोइंग टू बी टाइम टेकन, सो दिस इज द, this is the equation which you are going to use. दोबारा बोल रही हूँ, देखो initial length कितनी है into how much time, कितना time लगेगा final वाली length जो है वो increase होने के लिए, this is the equation. clear हो गई ये arithmetic growth, fine. now एक और भी growth होती है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा होती है, देखो इसमें क्या होगा, see here, let's say this is one cell.
इट शोज डिवीजन एंड इट फॉर्म्स टू सेल्स, सी लाइक दिस, लाइक दिस. Fine. But now both the cells they will divide further. अब इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, कोई डीपी में चेंज नहीं होगा, सोच लो पहले. Now both the cells they will keep their division capacity. So both of them they will divide. तो ये भी divide करके आगे दो बच्चे बना देगा, ये भी इससे भी दो बन जाएंगे. So now how many will be formed? Four हो जाएंगे. Okay. So we can form here that from this. From this, you are going to have two cells, like this. अब इससे भी दो सेल हो जाएंगे, you are going to have two cells. तो अब तो भैया ऐसा थोड़ी है. अब देखो पहले मैडम ने क्या बताया था, एक दो तीन चार ऐसे ग्रोथ हो रही है, पर अब ऐसे ग्रोथ थोड़ी हो रही है. अब मैडम क्या बता रही है, एक दो चार आठ सिक्सटीन. सो फ्रॉम टू फोर आर फॉर्म्ड, फोर आर बी फॉर्म्ड, फ्रॉम फोर एट आर बीइंग फॉर्म्ड. ओके, सो नाउ व्हाट यू कॉल दिस टाइप ऑफ ग्रोथ हैज, इट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ. क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर रंजन, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम ये माइटोसिस हो रही है कि मायोसिस हो रही है? दिस इज माइटोसिस ओनली बेटा. ओके, मायोसिस तो अकर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन, क्लियर है? तो यहां पर अब वो पुराना वाला पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा. देखो जो मैम ने ये वाला पैटर्न बताया था, एक दो तीन चार पांच छह, वो तो हमारी सीधी सीधी गिनती थी. नहीं, अब तो कैसा है, एक सेल से दो, दो से चार, फोर से एट, एट से सिक्सटीन. सो डबलिंग इज अकरिंग. सो व्हेन डबलिंग इज देयर ना, व्हाट यू कॉल सच टाइप ऑफ ग्रोथ हैज, इट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ. क्लियर है? सो लेट्स मेक द ग्राफ हियर. So on this side of the graph, I'm taking time. ठीक है? On this side, I'm taking number of cells. तो बच्चा अब हर बार एक एक नहीं add हो रहा है, अब एक एक नहीं add हो रहा है. तो देखिए अब ना what type of growth curve is there. Initially growth is slow. This is the first phase, which you call it as lag phase. मेरे बच्चे स्लो क्यों है पहले ग्रोथ? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आर लेस ना. तो दो से कोई बीस थोड़ी बन जाएंगे. सुनो सुनो, दो से सीधा बीस थोड़ी बन जाएंगे. तो अगर दो सेल्स हैं तो चार ही तो बनेंगे. डबलिंग होनी है, डबलिंग होनी है. तो इनिशियली ग्रोथ क्या है, स्लो है इनिशियली. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निलेश. ठीक है, फिर उसके बाद देखो फिर ग्रोथ क्या हो जाएगी, फास्ट. भाई फास्ट ग्रोथ हो रही है भाई. कैसे फास्ट, कैसे हो रही है भाई? दिस इज द सेकेंड फेज वेयर द ग्रोथ इज फास्ट. सो व्हाट यू कॉल दिस फेज एज, दिस इज नोन एज लॉग फेज. हाउ कम इट इज फास्ट नाउ बच्चा? बिकॉज फ्रॉम 8 नाउ 16, 16 सेल्स आर बीइंग फॉर्म. फ्रॉम 16 32, फ्रॉम 32 हाउ मेनी, 64. तो ऐसे चलते जा रहे हैं, fast 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 fast. So this is log phase, you also call it as exponential phase. And then what is going to happen, you know that resources to are limited na. So you know na, resources to limited hote hain. To kahin na kahin aakar growth thum jayegi. So resources are limited, so now the growth it is going to become stationary. So this is the last phase. What do you call it as? This is known as stationary phase. So what you can say, kaisa growth curve hai bhai? Ma'am ab linear to nahi keh sakti na, to kaisa kahengi ma'am ab isko, kya bolte ho, s shape bol do? Haan ji, s shape bol sakte ho aap isko. Okay, you can call it as s shape. Aur kya keh sakte ho, sigmoid keh sakte ho. So we can write here, it is sigmoid or S shaped curve.
नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड अगेन मैंने बता दिया मेरे बच्चा, नंबर ऑफ सेल्स मैडम को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैम ये पैरामीटर यूज नहीं करेंगी. कौन सा पैरामीटर यूज करूं बताओ बताओ, कोई सजेस्ट करो, कोई पैरामीटर सजेस्ट करो, क्या यूज करूं? सेल्स को फाइंड करना मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्या यूज कर सकते हैं? लेंथ यूज कर सकते हैं, वेट यूज कर सकते हैं. आई हैव प्लान कि आई एम गोइंग टू यूज वेट. ओके, वेट यूज करेंगे. ओके, सो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? सी हियर एवरीवन, सो लेट मी राइट इट हियर. इट्स यस, लेट्स से दैट दिस इज इनिशियल वेट, दिस वन. इनिशियल वेट मान लो जैसे 10 ग्राम है वेट. यस, 10 ग्राम. एंड आई हैव टू फाइंड द वेट, फाइनल वेट मतलब ग्रोथ हुई भी, फाइनल वेट क्या हो गया? 10 ग्राम का 10 किलो हो गया, क्या हो गया ये फाइंड करना है. सो आई हैव टू फाइंड द फाइनल वेट. तो क्या होगा? इनिशियल वेट प्लस, इनिशियल वेट प्लस, अब वो वाली चीज नहीं करनी है जो हमने पहले करी है. अब ग्रोथ पैटर्न इज डिफरेंट, इट ग्रोथ इज गोइंग टू बी मेजर लाइक दिस इनटू ई रेज टू पावर आर टी. अब ये आएगा ई रेज टू पावर आर टी. आर इज सेम, दैट इज ग्रोथ रेट. एंड टी इज व्हाट? टाइम टेकन. मतलब टाइम टेकन का मतलब क्या हो गया? आप एक वीक के बाद ग्रोथ फाइंड कर रहे हो, एक महीने के बाद, कि एक साल के बाद, दैट इज द टाइम टेकन. सो नाउ दिस इज द इक्वेशन. एंड व्हाट इज ई हियर? देखते कौन बच्चा मुझे जवाब दे रहा है. ई क्या होता है जल्दी बताइए. व्हाट इज ई हियर? ई फॉर इंग्लिश. व्हाई इज द सृंजन हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट मैम Why is the curve not starting from zero? Why I'm not starting it from zero? Why I'm starting it from one? Because Srinjan, कोई cell तो होगा ना पहले भाई, कोई तो cell होगा ना पहले. Zero से थोड़ी start करेंगे, गायब होगा, कोई भी चीज नहीं होगी, फिर cell तो पहले होगा ना कुछ. ठीक है ना? Yes. हाँ जी बच्चा, ई के बारे में नहीं बताया. इट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग. ओके, तो दो तरह की ग्रोथ हो गई. पहली वाली ग्रोथ में क्या हुआ? पहली वाली ग्रोथ में क्या हुआ कि सिर्फ एक एक सेल पैदा होता जा रहा है. तो यहां पे सीधी काउंटिंग है, एक दो तीन चार पांच. दूसरे में डबल करना है बस, डबलिंग. एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह. ओके, सिग्मॉइड आल्सो यू कैन स्टार्ट लाइक दैट सृंजन, नो प्रॉब्लम, फाइन. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ व्हिच टाइप ऑफ ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो शोज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ. कौन सी? ये वाली शो करता है एम्ब्रियो, या ये वाली शो करता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है? क्या लगता है? यस, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो. अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है तो देखिए, जहां पर मैं ये ग्रोथ पढ़ा रही हूं वहां पर एक डायग्राम बनाया कि एम्ब्रियो के अंदर पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ है एंड देन अरिथमेटिक. फाइन, सो राइट हियर फर्स्ट ज्योमेट्रिक. ज्योमेट्रिक में डबलिंग होती जा रही है, डबलिंग डबलिंग, फिर रुकेगी वो, फिर क्या चल जाए? व्हाट विल स्टार्ट? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा. देन सेकेंडली इट इज गोइंग टू शो arithmetic. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हो गया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है.
दैट व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज सीन इन अ ट्री ग्रोइंग इन सीजनल एनवायरमेंट लाइक जर्मनी. सुनो सुनो, देखो मैं बता दूँ, फिजियोलॉजी में, नॉट ओनली फिजियोलॉजी, इन कंप्लीट एनसीईआरटी व्हाट यू सी दैट देयर आर सर्टेन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है. और अगर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, आप एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए. मैं जो जितने भी वीडियोज होंगे उन सारे वीडियोज में यू विल फाइंड द आंसर टू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बेटा, तो सिर्फ लाइनें पढ़ने से नहीं होगा, उसके क्वेश्चन के जवाब भी देने होंगे. जो मैं जवाब यहाँ पे लिखूंगी, आपने कहाँ लिखना है उसको अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख देना, ठीक है. इधर उधर पेजेस में नहीं लिखना, क्योंकि पेज घूम जाएगा, एनसीईआरटी नहीं घूमेगी. तो वहीं पे साइड पे लिख देना, ठीक है बेटा बच्चा. चलो भाई, एक जर्मनी के अंदर कोई ट्री ग्रो कर रहा है, कह रहा उसमें ग्रोथ कैसी होगी. देखो बेटा, अभी जर्मनी में बर्फ पड़ी हुई है, स्नो इज देयर, तो ग्रोथ धीमे, पर पूरा साल थोड़ी बर्फ रहेगी. कंप्लीट ईयर यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड स्नो देयर, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्नोई कम इन थ्रू आउट द ईयर. फिर बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलते ही ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो ऐसे देखते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. हेयर इफ वी टर्न टू टेक टाइम एंड हेयर ऑब्वियसली ग्रोथ, तो जरा बर्फ पिघली हुई है तो ग्रोथ ज्यादा, लाइक दिस, ज्यादा. और जब बर्फ पड़ गई तो ग्रोथ ऐसे रुक गई. रुकने को मैं रेड से दिखा दिया मैंने. फिर हर साल ऐसा होगा, एवरी ईयर इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस बच्चा, ठीक है. एवरी ईयर जब बर्फ पड़ेगी नहीं पिघलेगी तो इट इज गोइंग टू बी फास्ट ग्रोथ, एंड वेन देयर विल बी स्नोई सो इट इज गोइंग टू बी स्लो. तो कैसा, इस ग्रोथ कर्व को क्या कहोगे? ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. इसको इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? इट इज स्टेयर केस ग्रोथ कर्व. सीढ़ी बन गई ना, सीढ़ी बन गई, ओके सीढ़ी बन गई ना. तो दैट्स वाई मेरे बच्चों ने क्या आंसर लिखा है, कौन सा ग्रोथ कर्व है? स्टेयर केस. जस्ट अ सेकेंड बेटा, इट्स अ स्टेयर केस ग्रोथ कर्व. समझ आ गया, समझ आ गया तो थम्स अप दे दो भाई जल्दी. ओके नाउ, सो व्हेन आई सी योर मैसेजेस ना, सो व्हाट आई कैन सी हियर कि सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम प्लांट किंगडम रिवाइज करा दो. कोई कह रहा है मैम एनाटॉमी, कोई कह रहा है मॉर्फो प्लीज, कोई कह रहा है मॉर्फो करा दो. तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि जो टॉपिक आप डिमांड कर रहे हैं ना, वो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है. और साथ साथ ऑल इंडिया पीएमटी के और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. क्या सही है? आने वाले सेशंस बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत अमेजिंग. दे आर गोइंग टू बी एनरिच्ड विद द नॉलेज. चलो आगे चलते हैं. Now, comparison of growth. देखो, comparison of growth मतलब this is another topic in the NCERT कि जब भी आपको growth compare करनी है, तो मतलब एक सोनू है, एक मोनू है, दो लोग है, तो growth compare करनी है तो कैसे कर सकते हैं? सोनू और मोनू में growth कैसे compare कर सकते हैं? So one is you can go for absolute growth rate. One is this. And second is you can go for relative growth rate. So I'm going to teach you these two. These are very easy. देखो NCERT का example लेना है इसके अंदर. See here. Let's say this is one leaf.
इट्स सरफेस एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर. यू कैन नेम इट एज ए. दिस इज अनदर लीफ. इट्स सरफेस एरिया इज लेट से 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो जैसे मैं सोनू और मोनू कह रही थी ना, तो ये है हमारे सोनू और मोनू है, ठीक है. हमें इनके अंदर कंपेयर करनी है ग्रोथ, ठीक है. तो लेट से दैट इन द फर्स्ट लीफ इन वन डे सरफेस एरिया हैज नाउ इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर. पहले 5 था, अब 10 हो गया. एंड इन द सेकेंड लीफ लेट से इट हैज इंक्रीज्ड बाय 55 सेंटीमीटर स्क्वेयर नाउ पर डे. एक दिन में हो गया, मतलब बढ़िया भाई, एक दिन के अंदर ग्रोथ हो गई है, फाइन. सो इतनी हो गई है. तो मुझे क्या लग रहा है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम. एंड इफ वी कंपेयर सोनू एंड मोनू, सो व्हाट इज द टोटल ग्रोथ फॉर बोथ ए एंड बी? हाँ जी बच्चा, 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर डे. बस इजी है, ठीक है. लेकिन एक और चीज, तुम देख रहे हो कि ये जो सेकंड पत्ती है ना, ये ऑलरेडी काफी बड़ी है, ऑलरेडी काफी बड़ी है. तो अब इसको नजरिया रखते हुए वी कैन यूज दिस अनदर मेथड, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट. नाउ दिस इज अनदर वन, रिलेटिव ग्रोथ रेट. तो ये देखो कैसे फाइंड करना है. सो रिलेटिव ग्रोथ रेट हाउ यू कैन फाइंड फॉर ए एंड बी. रिलेटिव ग्रोथ रेट में फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट कितनी ग्रोथ हुई. 5 लिख दिया भाई. इनिशियल साइज कितना था पहली लीफ में? सोनू में कितना इनिशियल साइज था मेरे बच्चे? कितना था? 5, ठीक है. इनटू 100. सो इन द फर्स्ट लीफ यू हैव 100% ग्रोथ. ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकेंड लीफ? सेकेंड लीफ कितनी ग्रोथ हुई? 5. बट व्हाट इज द इनिशियल साइज? व्हाट वाज द इनिशियल साइज? सी हियर, 50 into 100. सो हाउ मच इट कम्स टू बी? चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए आंसर, हाउ मच इट कम्स टू बी. चलो चलो चलो, मैम को तो रट्टा ही हुआ है, तुम बताओ कैलकुलेट करके क्या आया. यस, फाइन. जवाब नहीं आ रहा, वेरी गुड श्रृंजन, वेरी गुड. इट्स 10%. सो इफ आई टेक आर जी आर, इसको आर जी आर कहते हैं, रिलेटिव. सो इफ यू टेक आर जी आर, सो यू कैन से नाउ आर जी आर इज नॉट सेम आर जी आर फॉर फर्स्ट लीफ. सोनू वाली लीफ इज मोर. क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो आगे. नाउ कंडीशंस फॉर ग्रोथ. अरे कितना आसान है, मतलब आप चाहते हो कि बच्चा है वो फले फूले, तो क्या होनी चाहिए? खाना दो अच्छा भाई, पानी दो अच्छा, सोना दो अच्छा, ठीक है, लाइट में लेके जाओ, अभी विटामिन डी बनेगा उसके अंदर. तो क्या मतलब, कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं है. तो आराम से आई थिंक सारे बच्चे लिख देंगे ये. It is influenced by water, oxygen, nutrients, temperature, light, gravity. So these all are the conditions which are going to influence growth. Okay? So we are done with the first topic in the chapter, that is growth. So growth में हमने काफी चीजें पढ़ ली हैं. ग्रोथ में हमने पढ़ा है अरिथमेटिक क्या होती है, ज्योमेट्रिक क्या होती है, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपेयरिंग द ग्रोथ. फाइन, 100 से निलेश इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि परसेंटेज फाइंड करी है ना. ओके बच्चा, परसेंटेज ना. सो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग क्वेश्चन, ओनली फ्यू आर आस्किंग. बेसिकली वंस अगेन आई एम मेंशनिंग द व्हाट्सएप नंबर ऑन विच यू कैन float your questions related to this topic. Yes, bachcha. Bhai, what is the meaning of this session? Interaction.
कुछ कोई चीज है जो नहीं समझ आई, पुराना कोई कंफ्यूजन है वो करना है क्लियर, वो पूछ सकते हो, बट इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ, ठीक है, नॉट ऑफ एनी अदर टॉपिक. सो आई वॉन्ट दैट अदर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द सेशन, दे शुड ऑल्सो इंटरैक्ट. ओके, सो रहे हो भाई, सोना नहीं है, चलो जी सोना वना है. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक एंड विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन. सारे बच्चों को लगता है ये सेम ही है, काफियों को, पर काफी अलग है. डिफ्रेंसिएशन तो मैंने आज ही समझाया है. डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? परमानेंट टिश्यू. डीपी से याद करना होता है इसको, डीपी से. तो चलो देखो, सी हियर, लेट से दैट दिस इज मेरिस्टमैटिक सेल, दिस वन. सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज प्राइमरी मेरिस्टेम, व्हाई? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड, यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दीज वर्ड्स. आई हैव यूज दिस वर्ड्स इन एनाटमी ऑल्सो, ओके, बट यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दीज वर्ड्स. प्राइमरी मीन्स वॉट? पहले पहले जो चीज हो. सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? बाद में हूँ. कितना आसान है ना बच्चा. तो कई बार क्या होता है, हम चीजों को सोच लेते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं, नहीं ये मुश्किल है. नहीं, जो कोई भी चीज होती है उसको आप बड़ा कैजुअल तरीके से याद करो. ट्राई टू लर्न इट इन अ कैजुअल मैनर, ठीक है, ट्राई टू लर्न इट इन अ कैजुअल मैनर, ओके. तो आप उसको याद कर सकोगे, अपनी डेली एक्टिविटीज के साथ रिलेट करो. प्राइमरी मतलब पहले बनी, सेकेंडरी मतलब बाद में बनी, ठीक है, ओके. जैसे अब देखो, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है. प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? शुरू से प्रेजेंट है भाई, प्लांट में पहले से है. जैसे तुम जब स्कूल में पढ़ते हो तो ऐसे नहीं बोलते प्राइमरी क्लास की ये टीचर है, हायर क्लास सेकेंडरी क्लास की ये टीचर है. वही तो है, पहले जो होगी वो प्राइमरी, बाद में होगी वो सेकेंडरी. कोई बहुत बड़ा फंडा तो आया नहीं है इसके अंदर. नाउ सी, प्राइमरी मेरिस्टेम का जो सेल है, इसने डिवाइड करा और दो सेल्स बना दिए. एक से तो दो ही बनेंगे ना बेटा, ओके, एक से दो सेल बने. आउट ऑफ द टू सेल, अभी कितनी बार बोल चुकी हूँ, वन सेल सेज आई वॉन्ट टू डिवाइड, सो इट इज गोइंग टू रिमेन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट इज गोइंग टू रिमेन. दूसरा सेल कहता है मुझे डिवीजन नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू स्पेशलाइज फॉर सम अनदर फंक्शन. तो जब कोई कहता है ना मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो मतलब उसके साथ क्या होने वाला है? डीपी, डीपी होने वाला है, दैट इट विल अंडरगो डिफरेंसिएशन. एंड आफ्टर डिफरेंसिएशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, एंड यू नो दैट दिस परमानेंट टिश्यू इट इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम. तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही तो बोलोगे ना, ठीक है ना, ठीक है ना प्रियांशु? अगर प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाया परमानेंट टिश्यू, तो प्राइमरी तो बोलोगे ना, ठीक है ना. जो प्राइमरी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, प्राइमरी टीचर, ठीक है ना, तो वो प्राइमरी स्टूडेंट्स, क्लास के तो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेकेंडरी तो नहीं बोल दोगे. समझ आ रही है ना बात? सो प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू? इट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. क्लियर हो गया? बिल्कुल. सो इफ आई हैव टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, आई कैन गिव वन एग्जाम्पल, दैट इज पैरेन्काइमा. कॉलेन्काइमा, कुछ भी और दे दो, जाइलम, प्राइमरी जाइलम बोल दो. पहले वो जाइलम होगी, जैसे प्राइमरी जाइलम. सो फॉर प्राइमरी यू कैन यूज दिस वर्ड हियर, ऐसे यू कैन यूज दिस सिंबल फॉर प्राइमरी, प्राइमरी जाइलम, ठीक है. अब ये जो चेंज आया है, जिस चेंज विच हैज अकर्ड, दैट इज परमानेंट. इन मेजोरिटी ऑफ केसेस इट इज परमानेंट. मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये परमानेंट चेंज होता है, ओके. तो जब कोई पैरेन्काइमा बन गया, जाइलम बन गया, कॉलेन्काइमा बन गया, तो दिस चेंज इज परमानेंट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस. पर देखो कभी कभी क्या हो सकता है, सुनो तो सही ना, कभी कभी जिंदगी में क्या हो सकता है. इधर देखो, समटाइम्स इट कैन हैपन लाइक दिस.
ये मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ के ऊपर यहां पर इस ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच पे नीलेश लटक गया, ऑन दिस ब्रांच, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रांच ब्रेक कर गई। दिस ब्रांच, यस इट ब्रेक्स, क्योंकि ये लटक गया ना, तो ये ब्रांच ब्रेक कर गई। ओ, ब्रांच ब्रेक कर गई। अगर ब्रांच विल ब्रेक, तो इसका मतलब प्लांट के अंदर घाव आ गया, ठीक है। ठीक है, प्लांट के अंदर यहां पर क्या हो गया, ब्रेकेज हो गई। फाइन, सो ड्यू टू द ब्रेकेज दिस एरिया हैज बीन एक्सपोज्ड। ध्यान से सुनिए, ड्यू टू द ब्रेकेज दिस एरिया हैज बीन एक्सपोज्ड। तुम्हें कोई यहाँ पर कट लग जाएगा, एरिया एक्सपोज हो जाता है, तो मम्मा क्या करती है, बैंडेज लगा देती है ना, ठीक है ना। तो ये एरिया एक्सपोज हो गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया को कैसे कवर करेंगे। सुनो, यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है पैरेन्काइमा के, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ये पैरेन्काइमा के सेल्स है। सी हियर, दीज आर द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा। ये रे, पैरेन्काइमा सेल्स, यू नो द डोंट डिवाइड, बट अब तो जरूरत आ गई है ना। अब उनको बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर तो स्कार बन गया, स्कार आ गया है, ये एरिया एक्सपोज हो गया, कवर करना है। सो पैरेन्काइमा सेल्स, व्हेन दे सी कि नहीं भाई, अब मुझे इस एरिया को कवर करना है, तो मुझे अपना डीपी छोड़ना पड़ेगा। सुन लो सुन लो, मुझे अपना डीपी छोड़ना पड़ेगा और मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और इस एरिया को कवर करना पड़ेगा। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लाइक पैरेन्काइमा सेल, दे विल लूज देयर डीपी। लूज देयर डीपी मीन्स लूज देयर डिफरेंसिएशन, दे विल लूज देयर डिफरेंसिएशन एंड दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन। ओ गॉड, समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। दी सेल्स, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन एंड दे विल कवर दिस पार्ट, दे विल प्रोटेक्ट दिस पार्ट। सो समटाइम्स पैरेन्काइमा जो है वो अपना डीपी छोड़ देगा। डीपी छोड़ देगा मतलब क्या छोड़ देगा, डिफरेंसिएशन छोड़ देगा। तो अगर ये डिफरेंसिएशन छोड़ देगा, तो इसको क्या कहेंगे, इफ ना द पैरेन्काइमा विल लूज डिफरेंसिएशन, तो क्या कहेंगे इसको, डी डिफरेंसिएशन। डी डिफरेंसिएशन, छोड़ दिया, कोई चीज छोड़ देते हो तो डी तो बोलोगे ना, री बोल दोगे क्या, बोलो बोलो बोलो। मैडम ने पढ़ाना छोड़ दिया, तो क्या बोल दोगे, मैडम री टीचिंग कर रही है, री री थोड़ी बोलोगे, डी तो बोलोगे, छोड़ दिया मैडम ने, ठीक है। तो इट इज डी डिफरेंसिएशन, समझ आ रही है ये बात कि नहीं। तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर, कभी कभी जरूरत पड़ने पर सेल्स अपना डीपी छोड़ देते हैं, डीपी, एंड दिस इज नोन एज डी डिफरेंसिएशन। दे स्टार्ट डिवाइडिंग, इट इज क्वाइट सिंपल। इफ दे स्टार्ट डिवाइडिंग, कहाँ चला गया बेटा, इफ दे स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड, इफ दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ये पैरेन्काइमा दोबारा डिवाइड करने लग गया, तो यू आर गोइंग टू से दैट इट इज बीइंग चेंज्ड इनटू मेरिस्टेम। अरे लेकिन ये मेरिस्टेम शुरू से नहीं थी, ये प्राइमरी से थोड़ी थी। दिस मेरिस्टेम इज बीइंग फॉर्म्ड इन द प्लांट एट द लेटर स्टेजेस, सिंपल भाषा में बाद में बनी है। और कोई भी चीज बाद में बनती है उसको क्या कहना है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गई। तो ये मतलब रट लेनी है इस बात को कि सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनती है, डी डिफरेंसिएशन से कि री डिफरेंसिएशन से। क्या कहोगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनेगी, डी डिफरेंसिएशन से। समझ आ गई ये बात, क्लियर है, ओके। नाउ सी हियर, नाउ दीज मैरिस्टमैटिक सेल्स, नाउ दीज मैरिस्टमैटिक सेल्स, अब कुछ मैरिस्टेम जो होती हैं, सो सी हियर, कुछ मैरिस्टेम जो होती हैं, ये मैरिस्टमैटिक सेल्स जो होते हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने न्यू सेल्स फॉर्म करने हैं। सुनो जरा ध्यान से सुनो, इन्होंने
न्यू सेल्स फॉर्म करने हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स, दे विल फॉर्म न्यू सेल्स, एंड दीज न्यू सेल्स विच आर फॉर्म, दे विल बी अगेन चेंज इनटू डीपी, मतलब ये दोबारा डिफरेंशिएट कर जाएंगे। सुनो 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 सुनो, न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, जैसे यहां पर बने ये न्यू सेल्स बने, ये न्यू सेल्स, दे आर अगेन गोइंग टू बी चेंज इनटू डीपी, ये दोबारा डिफरेंशिएट हो गए। मैम ने पहले एक बार पहले भी बताया था डीपी हुआ, अब दोबारा हो गया। इफ अगेन दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू डीपी अगेन, देन यू आर गोइंग टू कॉल इट एज रीडिफरेंशिएशन, री दोबारा दोबारा डीपी में चेंज हो गए, रीडिफरेंशिएशन। बट नाउ दिस परमानेंट टिश्यू इज नॉट फॉर्म्ड एट द अर्लियर स्टेजेस, अब ये शुरू से नहीं है, अब ये परमानेंट डीपी जो है ये बाद में बना है। सो इफ इट इज फॉर्म्ड लेटर इन द लाइफ यू गोइंग टू कॉल इट एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दोबारा सुनो, दोबारा इधर लिखो, सुनो दोबारा सुनो, वेन एवर देर इज फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, इधर सुनो सारे बच्चे, वेन एवर देर इज फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू यू कॉल द परमानेंट टिश्यू एज डिफरेंशिएटेड टिश्यू डीपी, बट नाउ दिस परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म्ड अगेन, दोबारा, जैसे मैडम अभी ग्रोथ पढ़ा रही हैं और फिर दोबारा पढ़ाने लग जाए, दोबारा तो क्या बोलोगे उसको, रिवीजन करा रही है मैडम, रिवीजन, तो दोबारा परमानेंट टिश्यू बना तो क्या बोलोगे, रीडिफरेंसिएशन, दोबारा। ठीक है, एंड दिस परमानेंट टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट फ्रॉम द स्टार्टिंग, इट वॉज फॉर्म्ड एट द लैटर स्टेजेस, सो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू कॉल इट एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बताओ मेरे बच्चे, कुछ समझ आया कि नहीं आया, बोलो, देखो इसको जरा ध्यान से देखो और बताओ, कम ऑन, नोट करो पहले तो इसको, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट से अच्छा ये होता है लिखना, क्योंकि व्हेन यू राइट इट विद योर हैंड ना, तो दैट इज गोइंग टू बी रिटेन्ड इन योर माइंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो लिखना सबसे अच्छा होता है। फाइन, अगर सबको समझ आ गया तो थम्स अप दे दो भाई, यस लिख दो, मैडम को भी लगता है कि सही समझ आ गया सबको, तो आई कैन प्रोसीड फर्दर। फाइन, ओके, तो देखो बेटा सुनो मेरी बात, इधर सुनो सारे बच्चे सुनो, व्हेनेवर देर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो रट लेना है, इसको कहते हैं डी डिफरेंसिएशन, डी, और व्हेनेवर देर इज फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, देखो परमानेंट के साथ तो डी डीपी कहते हैं उसको, पर अब ये परमानेंट टिश्यू दोबारा बन रहा है तो रिवीजन कर रहे हैं, अभी दोबारा आ रहा है तो री डिफरेंसिएशन। क्लियर, फुल क्लियर, सृंजन इज सेइंग फुल क्लियर है मैडम, 100%। बाकी बच्चों का क्या ख्याल है, कोई बात दोबारा बताने वाली है क्या, नहीं, गुड, आई रियली लाइक इट, इफ यू हैव गॉट दिस टॉपिक, एक्चुअली दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा बच्चों को समझ नहीं आता है ये, आप लोगों को आ गया तो दैट्स गुड, ओके फाइन। क्वेश्चन, क्वेश्चन टाइम है जी, क्वेश्चन के बगैर थोड़ी, तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चन के बगैर बॉटनी भी नहीं हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता है, तो बॉटनी भी नहीं हो सकती है क्वेश्चन के बगैर। सी है ना, सारे बच्चे मेरे को चैट बॉक्स पे जवाब देंगे, ओके, सो इफ देर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो किस से बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, डिफरेंसिएशन से, डी डिफरेंसिएशन से, के री से, तुमने चैट बॉक्स में 1 2 3 ये लिखना है किससे बन रहा है। चलो, सरिंजन हैज गिवन द राइट आंसर, ओके, बट आई एम वेटिंग फॉर अदर ऑल्सो टू राइट, चलो 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 बच्चा, जवाब नहीं आ रहा बाकियों का, निलेश, प्रियांशु, अदर्स, गर्ल्स आर नॉट इंटरैक्टिंग टूडे, वाई गर्ल्स आर नॉट इंटरैक्टिंग, वेरी गुड, देखो मैंने बोला सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी मतलब इट्स अ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और जब भी
सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म थ्रू रीडिफरेंशिएशन. लिख देते हैं, ओके, सो दिस वॉज राइट. ओके, फ्रॉम योर एंड इट वॉज राइट. नाउ लेट से देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम. किससे बना? चलो 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 चलो, प्राइमरी जाइलम लिखो, जवाब दो. प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम इज अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सो थ्रू वन, वन से बना. लास्ट पूछ रही हूं, लास्ट क्वेश्चन है, केम्बियम किससे बनता है? केम्बियम, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉर्क केम्बियम. चलो कॉर्क केम्बियम, दोज हु हैव सीन माय एनाटॉमी सेशंस दे कैन इजीली टेल मी व्हाट इज द आंसर. कॉर्क केम्बियम किससे बना? देखो बेटा ऐसे सुनो, केम्बियम एक परमानेंट टिश्यू नहीं होता, वो मेरिस्टेम है. और ये जो केम्बियम है ये शुरू से नहीं बनता, बाद में बनता है. इट इज फॉर्म्ड एट द लैटर स्टेजेस, बुढ़ापे में जाके बनता है, जैसे लैटर स्टेजेस पर. तो इसका मतलब शुरू से नहीं है, बाद में बना, तो इसका मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम है. और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमेशा बच्चा किससे बनती है? डी डिफरेंशिएशन. सो आवर आंसर इज 2 ईयर. क्लियर? सो आई हैव गिवन आंसर्स, आई हैव टोल्ड यू क्वेश्चंस रिलेटेड ऑल 1, 2, 3. होप दिस सेशन वॉज क्वाइट यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बाय बाय एवरीवन.